कोरोना का जो बीमारी का जो चल रहा है उसमें गवर्नमेंट का जो जो हुक्म किया है उसके बारे में भी पब्लिक को भी थोड़ा सावधान रखने का बताया। व्हीकल वालों को भी मास्क पहनने के लिए बोला है। व्हीकल वालों को ये कोरोना के बारे में समझा रहे हम। सर, चार दिन से जो बंदी चल रही है, जो सरकार ने बंद करके रखा हुआ है, उसमें आपको कितनी परेशानियाँ हो रही हैं और आगे आप क्या क्या करने वाले हैं? परेशानी तो बहुत है, लेकिन क्या है कि जो व्हीकल वाले हैं, बीमारी का जो प्रश्न होता है, व्हीकल वाले बहुत आते जाते रहते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि भैया मास्क पहनना है। अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि किसी को ये मालूम नहीं है कि मास्क नहीं पहनना, तभी हम इसको समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, तो थोड़ा बहुत ये लीगली उनको भी बताया है कि भाई जो व्हीकल लेकर मत निकलो, बाजारों के अंदर अकेले जाओ या मास्क पहन के जाओ, तो थोड़ा ये दिक्कत है। व्हीकल वालों को भी बहुत समझाने तरह की पड़ती है, लेकिन फिर भी हम हमारी कोशिश, गवर्नमेंट ने जो हमको गाइडलाइन किया है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम है जो पब्लिक का आने जाने का, तो व्हीकल वालों को हमने स्पष्ट निश्चित किया है कभी व्हीकल लेकर निकलना नहीं। ट्रैफिक रूल्स में क्या क्या चेंजेस आगे आने वाले हैं? ट्रैफिक रूल्स के अंदर तो ट्रैफिक में तो जो अभी तो दिख रहा है कि बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स का जो फॉलो किया हमने, तो जैसे जितना हो सके इतना रोड पर व्हीकल कम आए, और जो ज़्यादा लोग निकलते हैं उनको हम समझा रहे हैं कभी व्हीकल लेकर नहीं निकलो, अपने आप को संभालो, और इनको हम सपोर्ट भी करते हैं। पब्लिक की तकलीफ तो है, फिर भी हम इसको समझाते हैं, अगर नहीं मानते फिर भी हम उसको फॉलो करते हैं। आपको सरकार ने टाइम दिया है कि सुबह से कितनी देर तक के आपको नाकाबंदी करनी है और कितनी देर तक के? नहीं, हमको तो सरकार ने दे दिया है कि पूरा दिन रखो, ऐसे तो थोड़ा छूछाट दिया है, जो आवश्यक चीज़ गाड़ा में जो आता है वो खरीदी करने के लिए उनको हम लोग ले जाते हैं, बताते हैं कि भाई तुम तो थोड़ा थोड़ा निकलो, एक एक निकले को अपने साथ सब्जियाँ हैं, अनाज है, रेशन है, वो सब लेने के लिए जाते हैं, तो उनको हम बेचते हैं। लेकिन जो झुंड होकर जाते हैं उनको बोलते हैं, भाई दुकान वालों को भी बोलते हैं कि ये झुंड एक साथ मिलाओ मत करो, अकेले एक एक बुला के अपना अपना काम करो, और उनको हम समझाते हैं सब हर लोगों को मास्क पहनना है, मास्क के बगैर बाहर निकलो मत। ठीक है, फिर भी हम इसको थोड़ा ट्रैकन कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ट्रैफिक बहुत कम है और पब्लिक फॉलो कर रही है थोड़ी। चार दिन से जनता को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से, कुछ खास संदेश? अहमदाबाद के समझा को ये संदेश देना चाहता हूँ, खास करके कि ये महामारी का जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे बहुत सचेत रहना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि उनको मैं इतना ही कहूँगा कि जितना भी आप उसको फॉलो करोगे उतना ही अपने देश के लिए उचित है, और आपको मेरा भी निवेदन है कि ये महामारी को आपको सबके सबको लड़ना है, पुलिस तो लड़ेगी लड़ेगी, आपको भी हमको सपोर्ट करना है, जितना भी हो सके इतना सबको इस महामारी के, इस महामारी कोरोना को लिए आपको मेरा गुजारिश है कि देश के लिए एक उसको फॉलो करो, और बीमारी से नहीं हो उसके लिए आपको मेरा खास निवेदन है कि घर से बाहर निकलने का बहुत कम रखो, और ज़रूरत पड़े इमरजेंसी हो तब भी आप बाहर निकलो, ये मेरा खास निवेदन। चार दिन से, जैसे आज इस महामारी को चौथा दिन है, आप लोगों को स्टैंड बाई ड्यूटी दी गई है, सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मुहैया करार की गई है, जैसे कि मास्क या सैनिटाइज़र को लेकर? सरकार तरफ से हमको मास्क की व्यवस्था की है, हमको हमारे जे सी बी साहब ने हमको बुला के मास्क दिया, सब